आरएसएस के प्रांत सहसंघ चालक ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा पर हुए जानलेवा हमला करने की कड़ी निंदा की जा रही है। ब्रिगेडियर गगनेजा का कुशल क्षेम जानने के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एडीजीपी के अंडर पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर जेल में भेजा जाएगा। इस मौके पर सुखबीर के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार महेश इंद्र सिंह गरेवाल, कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लो, डीजीपी सुरेश अरोड़ा, लुधियाना पुलिस कमिश्नर जतेंद्र सिंह औलख, डीसीपी ध्रुमन निम्बले, जिला भाजपा के प्रधान रविंदर अरोड़ा, पंजाब भाजपा से अनिल सरीन, भावाधस के लक्ष्मण द्रविड़, भाजयुमो नेता अमित गोसाई सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, ब्रिगेडियर साहब से हमला किया गया। पंजाब पुलिस की डीजीपी साहब नू डायरेक्शन दिती है, 10 टीम्स असी बनाई हैं, 10 पुलिस की टीम्स बनाई हैं जिहड़ियां ट्रैक कर रही हैं एंड जल्दी तो जल्दी वो क्रिमिनल्स नू असी फड़ के अंदर करांगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स अंडर सीनियर एडीजीपी दे थल्ले पूरी सुपरविजन विच 10 डिफरेंट टीम्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।